हमारे खास बुलेटिन खबरें बिना ब्रेक के भी आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन में हम देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। खबरें ऐसी दिखाएंगे जिनका होगा सीधा आपसे सरोकार। खबरें ऐसी जो बनी है आज की सुर्खियां, खबरें ऐसी जिनका होगा दूर तक का असर। तो बने रहिए मेरे साथ अगले एक घंटे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में दिए गए बयान को लेकर आ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओम बिरला ने ब्राह्मणों को समाज में सबसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा था कि ये स्थान उनके त्याग और तपस्या के चलते मिला है, और यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के बयान की निंदा की और कहा कि जाति के आधार पर किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना जा सकता। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में दिए गए बयान को लेकर अब सियासत हो रही है। आपको दिखाते हैं क्या ट्वीट किया था ओम बिरला ने। समाज में ब्राह्मणों का हमेशा से उच्च स्थान रहा है। यह स्थान उनकी त्याग और तपस्या का परिणाम है, और यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये ट्वीट, जिस पर अब सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का बयान आ रहा है, बयान की निंदा की है कांग्रेस ने, और ये भी कहा कि जाति के आधार पर किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना जा सकता है। ओम बिरला ने ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ बताया था, जिसके बाद अब इस पर सियासत जारी है। राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम में ओम बिरला का यह बयान सामने आया था। ओम बिरला ने ब्राह्मणों को समाज के सबसे श्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये स्थान उनके त्याग और तपस्या के चलते है। उनका ट्वीट एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जो ओम बिरला ने ट्वीट किया था, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त उनका ट्वीट है। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के बयान की निंदा की है और ये कहा कि जाति के आधार पर किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना जा सकता है। ओम बिरला के बयान पर अब सियासत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, राजस्थान के कोटा में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में दिए गए बयान को लेकर अब सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। त्याग और तपस्या का जिक्र किया था ओम बिरला ने और कहा था कि ओम ब्राह्मणों को समाज में सबसे श्रेष्ठ बताते हुए कहा था कि ये स्थान उन्हें त्याग और तपस्या के चलते मिला, और यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। और कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस बयान की निंदा कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि जाति के आधार पर किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना जा सकता। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं उनका ट्वीट, देखिए, समाज में ब्राह्मणों का हमेशा से उच्च स्थान रहा है। यह स्थान उनकी त्याग और तपस्या का परिणाम है, और यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। ये वो ट्वीट है, ये वो बयान है ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का, जिस पर अब सियासत हो रही है।